इसका भी बोनट खुलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपना भी लॉक हो गया, और इस छोटे से ट्रैक्टर के अंदर भी देखो स्वराज ने कितनी बड़ी चीज रखी, पावर स्टेरिंग के लिए उसमें ऑयल, एक हज़ार चक्कर आइडियल चक्कर के 1000 है पूरी पावर स्टेरिंग सेटिंग देख सकते हो। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो आज हम डिटेल में रिव्यू करेंगे स्वराज 724 FE 4x4 ट्रैक्टर का, और इस ट्रैक्टर के बारे में आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा डिटेल में। आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों में। तो देखो ये ट्रैक्टर बाहर खड़ा था धूम में, तो और धूल मिट्टी चलती है बिल्कुल हाईवे पर, जो कि रामराज में एजेंसी पड़ती है स्वराज की। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पंजाब ट्रैक्टर्स रामराज मुजफ्फरनगर, नंबर भी आपको आ रहा होगा सामने लिखा हुआ, ठीक है ना। ये इनकी एजेंसी का नंबर है, और आपको अगर कुछ मेरे से जानकारी लेनी है, अगर मेरे बारे में कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूँगा ट्रैक्टर की, वैसे वो ट्रैक्टर आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। पहले मैं आपको उसकी शुरुआत कर लेता हूँ, डायमेंशन से ट्रैक्टर की मिल जाती है। अगर ट्रैक्टर की हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2900 cc का ट्रैक्टर, 2900 mm में ट्रैक्टर लंबा है, व्हील बेस ट्रैक्टर का 1500 mm का है, और 1495 kg का ट्रैक्टर का वेट है। 200 टॉप स्पीड इसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो उसका जो इंजन है 1800 cc का इनलाइन टू पंप के साथ है, ठीक है ना। 2 सिलेंडर इंजन है, और इसका बोनट जो खुलता है, जो स्वराज के सभी ट्रैक्टर का बोनट खुलता है उसी तरीके से इसका बोनट खुलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अपना भी लॉक हो गया, और इस छोटे से ट्रैक्टर के अंदर भी देखो स्वराज ने कितनी बढ़िया चीज़ रखी, पावर स्टेरिंग के लिए उसमें ऑयल डिफरेंट है, कोई गियर बक्स नहीं रहा, 2 सिलेंडर का हेड दोनों का डिफरेंट है। जिस हेड में भी कुछ काम अगर होता है 10-5 साल में, तो आप वही हेड खुलवा करके काम करा सकते हो, पूरा इंजन खुलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 25 से 30 लीटर का डीजल टैंक है इस ट्रैक्टर के अंदर, और इस ट्रैक्टर में देख सकते हो ड्राई एयर क्लीनर मिल जाता है छोटे ट्रैक्टर में भी, ठीक है ना। बड़ा रेडिएटर है, बैटरी बॉक्स बैटरी आगे है ताकि ट्रैक्टर लिफ्ट ना करे, बिल्कुल बैलेंस बना रहे। और अगर हम ट्रैक्टर के लुक की आगे से बात कर लेते हैं तो देख सकते हो जो इसके एल्डर्स ट्रैक्टर आते हैं एल्डर्स ब्रदर, उसी के जैसे लुक मिलता है ट्रैक्टर का। तो भैया से हम कहेंगे भैया एक मिनट प्लीज़ बोनट बंद कर दीजिए इस ट्रैक्टर का। तो अगर हम इस ट्रैक्टर के टायरों की शुरुआत करें तो 6-14 का टायर इसमें आगे के मिलेंगे, और पीछे के टायर जो मिलते हैं इसमें 8-3-24 के मिलेंगे, ये देख सकते हो, ठीक है ना। और जैसे आप देख सकते हो इसमें लोहे वाटर सेपरेटर इसमें मिलेगा, 2-2 डीजल फिल्टर मिल जाते हैं, इसमें पंप मिलता है इसमें बॉस का इनलाइन टू, और इसका जो अगर हम आगे की इसकी बात कर लेते हैं पावर स्टीयरिंग की, वो हाइड्रोली मिलेगा इसमें पावर स्टीयरिंग, जो कि दोनों साइड रोड चलती है, यानी कि दो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है। इस पावर स्टीयरिंग का बेनिफिट ये होता है अगर कभी किसान को 5-6 साल में कुछ भी कोई गिरोली करते हैं छोटे छोटा पार्ट बदलवा देते हैं, पूरा पावर स्टीयरिंग बदलवाने की कभी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो साइलेंसर मिलता है वो आपको वर्टिकुलर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा, आप इसे वर्टिकुलर भी कराना चाहो तो 4 बोल्ट खोलने के बाद इसे ऊपर की ओर कर सकते हो, अगर किसी को ये किसान भाई को पसंद नहीं आता। कंपनी इस तरीके से करके इसलिए देती है क्योंकि ये ट्रैक्टर बागानी के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, तो बाग में हमारे कोई फल फूल पेड़ को कोई नुकसान ना करे धुआं, तो इसलिए इसे आगे की ओर करके दिया जाता है। 4x4 ट्रैक्टर है, सिंगल क्लिच में ट्रैक्टर मिलेगा, ऑयल इंबिल डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगा, ड्राई के साथ ऑप्शनल है इस ट्रैक्टर के अंदर। और इसमें देख सकते हो ये 4x4 4x2 करने का नहीं, ये इसका हैंड ब्रेक है, 4x4 4x2 करने का लीवर इधर मिल जाता है। अगर हम इसकी PTO HP की बात कर लेते हो तो ट्रैक्टर में PTO HP मिल जाती है लगभग 20 horsepower की, इसमें PTO HP मिल जाती है, 15.2 kW में है देख सकते हो, ठीक है ना। 25 HP का ट्रैक्टर है अपना, जो कि बड़े ट्रैक्टर है उसमें भी देख सकते हो सब के मैं जो जैसा मिरर आता है ना बड़ा, तो सबसे बड़ा मिरर उतना ही दिया, कोई ऐसा नहीं करा कंपनी कि छोटा ट्रैक्टर तो छोटा मिरर कर दो। इस छोटे से ट्रैक्टर में भी देख सकते हो छोटा सा स्टीयरिंग मिल जाता है, जैसे 1600 740 का होता है पावर स्टीयरिंग है, क्योंकि छोटा कॉम्पैक्ट था, इसमें भी कंपनी ने हॉर्न का ये प्रोविजन यहाँ करके दे रखा है, ये भी ऐसा नहीं कि आपको हॉर्न नहीं मिलेगा। हाई लो मीडियम के साथ 6 गियर फॉरवर्ड 2 गियर रिवर्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें 4 गियर ट्रैक्टर हैं, तो 4 × 8 तो मिलेंगे इसमें फॉरवर्ड, 2 मिलेंगे इसमें रिवर्स, हाई लो न्यूट्रल रिवर्स, और इसमें 4 गियर इधर मिल जाता है आप देख सकते हो, तो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स ट्रैक्टर में जैसे बड़े ट्रैक्टर मिलते हैं ऐसे ही इसमें मिलेंगे। डिफरेंशियल लॉक इस ट्रैक्टर में भी है छोटे से में, PC DC के लीवर इधर दिखा रखे, ये देख सकते हो PC और DC रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। सीट जो इसकी काफ़ी अच्छी है, बैठने योग्य है, और उसे लिफ्ट आप एडजस्ट कर सकते हो अपने वेट के अकॉर्डिंग ट्रैक्टर की सीट को, लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है ना। छोटे ट्रैक्टर में ये ऑप्शन कम से कम मिलता है देखने को। वैसे भी टूल बॉक्स देख सकते हो उसमें लोहे का मिलता है, कोई प्लास्टिक का नहीं है देख सकते हो, ये इधर बुक भी लगी रखी है इसकी, टूल किट भी है इसमें, और इसमें देख सकते हो बोतल होल्डर भी इधर मिल जाती है रिफ्लेक्टिंग लाइट के साथ।
एक पीछे इसमें हेलोजन बल्ब मिल जाता है, जो कि आप रात में कोई भी इम्प्लीमेंट जोड़ते हो या इस टाइम किसी ऐसे टाइम इम्प्लीमेंट जोड़ते हो जिसमें आपको चांदने की ज़रूरत है, तो आप अपने तरफ से ही इस ट्रैक्टर को चांदना करके आप उस चीज़ को जोड़ सकते हो। इस ट्रैक्टर में छोटे से में भी आपको एक इसमें लिंकेज सेंस के साथ मिल जाता है हाइड्रोलिक, ठीक है ना। रिवर्स पीटर इसमें नहीं मिलती, सिंगल पीटर मिलेगी इस ट्रैक्टर के अंदर। लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें 1000 किलो की ट्रैक्टर की है। AD सेंस के साथ ट्रैक्टर मिल जाता है, इधर आप देख सकते हो। अगर कोई पीछे ट्रॉली में किसी चीज़ में आप इलेक्ट्रिसिटी का करंट देना चाहते हो तो इस स्विच के साथ दे सकते हो, ठीक है। और इस ट्रैक्टर की मैं आपको दिखा देता हूँ, 540 चक्कर मिलते हैं PTO के, 540 इकोनॉमिक, दो तरह के PTO मिल जाएगी इस ट्रैक्टर के अंदर, ठीक है। और इस ट्रैक्टर में आपको बता दूँ, इसके अंदर छोटे ट्रैक्टर में होने के बाद भी इतना बड़ा क्लच पेटर कि ट्रैक्टर आपका लोड नहीं मानता बिल्कुल भी। और इस ट्रैक्टर के मैं लास्ट में आपको प्राइस तो इसके लमसम में मिलेंगे, क्योंकि मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता, क्योंकि एजेंसी वाले हर कोई मना करते हैं, ये सब सबको पता है। सिंगल क्लच में ट्रैक्टर मिलेगा आपको। और इस ट्रैक्टर में डीजल खपत कितना है, मैक्सिमम 3 लीटर से ऊपर ट्रैक्टर मिलेगा, 25 HP का ट्रैक्टर है। और कितना ही आप इस पर लोड डाल काम कर सकते हो, इस ट्रैक्टर की इतनी हिम्मत है कि 4 फुटा रोटावेटर को भी अच्छे से काम कर जाएगा, तो 2-in-1 काम करेगा। अगर किसी किसान भाई को इसमें अपना खेती भी करनी है तो उससे भी कर सकते हो। ट्रैक्टर में काफ़ी पावर, इतनी पावर दे रखी कंपनी ने कि आप इससे अपना बड़ा काम भी थोड़ा सा ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ट्रैक्टर ठंडा रहे तो उसमें देख सकते हो, एयर इंटैक इतना बड़ा इधर भी दे रखा और आगे भी दे रखा और साइड में भी, तो यानी कि तीन तरफ से इसमें एयर इंटैक की प्रोविज़न है, आगे की और नंबर प्लेट भी दे रखी ट्रैक्टर में। अगर हम ट्रैक्टर के आगे की चौड़ाई की बात करें तो 930 mm के ट्रैक्टर में चौड़ाई है, जो कि आप छोटे छोटे जगह को ट्रैक्टर निकाल सकते हो अपना और अपना काम कर सकते हो। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस ट्रैक्टर में भी है और आप इससे भाड़ा भी कर सकते हो। और ट्रैक्टर की लमसम कीमत मैंने आपको बताई थी, नीचे की तरफ लिखी आ जाएगी, आप देख सकते हो। और जो भी एग्जैक्ट फिगर है वो मैं वीडियो के नीचे भी आपको एम्बोज कर दूंगा, उसे पोज करके ज़रूर देखना, क्योंकि वो एग्जैक्ट होते हैं। क्योंकि बाय फेस और बाय मुंह के द्वारा अगर हम बताते हैं तो ऐसे भी होता है, कभी कभी बाय मिस्टेक दिमाग से निकल जाए तो गलत भी निकल जाती है कभी कभी चीज़। तो देख सकते हो, 2 सिलेंडर ट्रैक्टर अपना, इसकी आवाज़ सुनते हैं एक बार ट्रैक्टर की। इसे न्यूट्रल करना चाहिए एक बार, जब तक हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा जब तक ये हमारा न्यूट्रल का इसमें एम्बोसिंग ना आ जाए लिखी हुई। फ़ौरन देख सकते हो, फ़ौरन भी काफ़ी अच्छा खासा इसमें ट्रैक्टर के अंदर। एक बार स्टार्टिंग की सुन लेते हैं इसकी आवाज़, स्टार्ट की आवाज़ ट्रैक्टर के अंदर। एक हज़ार चक्कर इसका आइडियल चक्कर इसके 1000 है, पूरी पावर स्टीयरिंग कटिंग देख सकते हो इधर। कैसा लगा ट्रैक्टर आपको कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और यहाँ का जैसे मैं आपको दोबारा लैंडमार्क पता बता देता हूँ, पंजाब ट्रैक्टर्स रामराज मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और इधर देख सकते हो नंबर 1 का एरा। तो वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।